भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर क्लब के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षता विजय रहाटकर, विशिष्ट अतिथि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अस्मिता चंद, सम्मेलन की प्रभारी अर्चना सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। सम्मेलन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए डोर टू डोर संपर्क करने और अधिक से अधिक महिलाओं को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने सहित पार्टी के विजय संकल्प की परिकल्पना दोहराई गई। सम्मेलन के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा विजय रहाटकर ने कहा, इतनी एक्टिव है, सीधे बैठ दिए और दोनों मुख्य सिका बांधिए,
लेकिन हम देशवासी, हम का मतलब महिला और पुरुष को विभाजन नहीं किया जाता है, उसमें एक नारा में जोड़ा जाता है, महिला और पुरुष बराबर के हैं, तो हमें बराबर का हक मिलना चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। क्योंकि हम आज कोई क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पोलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, कमांडो हो, नेवी हो, किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं है। तो हमें आरक्षण का नाम लेना का जरूरत ही नहीं है, हमें कोई बैसाखी नहीं चाहिए। हम अपने कमजोर नहीं है, अब हम अबला नहीं है, अब हम शिक्षित हो गए हैं और हम समझ गए हैं, अब हम समझ गए हैं जहाँ पहुँचना है हमें, और हम राज के नारी नारायणी है, नारी की कल्याणी है। और आप जानते हैं कि मोदी जी ने हर तरह से हम लोगों के लिए कल्याण करने के लिए इतनी योजनाएं बनाई है। ये हुजूम बताता है कि किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो अपनी सरकार चल रही है और 2019 के चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है। हमें उस समय की बात याद आती कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह जी ने कहा था कि 2014 में जब आप लोग मोदी जी की लोट मांगने गए थे और जिस प्रकार की लहर आपको देखने को मिली, मैं इस बात को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2019 में जब आप मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो आपका मस्तक ऊंचा दिखेगा और आप जाकर के इस बात को दावे के साथ कह सकते कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। महिलाओं की बात हम यदि करें तो 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले 19 मार्च 2017 के पहले मां बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। एक बात का ध्यान आपको दिलाना चाहता कि जब भारतीय जनता पार्टी ने बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में नारा देते हुए और जब आंदोलन खड़ा किया था, मायावती जी खुद बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं महिला होते हुए भी और किस प्रकार से उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ यदि कोई खड़ा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी और उनके महिला मोर्चा की टीम खड़ी हुई थी और इस नारे के साथ की बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में अराजकता का माहौल था। मां बहन बेटियों के साथ लगातार अत्याचार बलात्कार होते थे, लेकिन 19 मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगेंद्रनाथ जी महाराज जब प्रदेश की बात दौर संभालते हैं तो उन्होंने कहा कि मां बहनों के ऊपर कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज हम बेफिक्री से कल ही मैं रात में 1 बजे जा रहा था तो मैं देख रहा था कि किस प्रकार महिलाएं बेफिक्र अपने घरों को जा रही थी और उन्हें कोई भी दहशत नहीं थी। यह हो पाया है तो एक राष्ट्रवादी की सोच वाली सरकार के नाते हो पाया है। महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी में निहित है और जिस प्रकार से आज देश की बागडोर संभालते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कल ही आप लोग कितनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है कि अंतरिक्ष में भारत यानी हिंदुस्तान 4वें नंबर पे आ गया। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारतीय हिंदुस्तान आज 4वें नंबर पे खड़ा हुआ है। यदि संभव हो पाया है तो राष्ट्रवादी सोच में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। हम जी बहुत सारी चर्चाएं करें, उपलब्धियों की चर्चाएं करें, बहुत बड़ा मंच है। अभी हमारे वरिष्ठों का भी चर्चा होने वाला है, उनकी भी बातों को आप लोगों को सुनना है, लेकिन हम यदि चर्चा करें तो बहुत लंबा समय लगेगा। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबी को हमने नजदीक से देखा है, 26 मई 2014 को जब उन्होंने देश की बात दौर संभाली थी उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे सरकार के मुख्य एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, महिला उत्थान होगा। और उन्होंने कहा था गरीबी को मैंने नजदीक से देखा है और हमारी माँ बहने जब चूल्हे पे खाना बनाती है तो ग्लूकोमा जैसी बीमारी उन्हें होती है। यह बीमारी मैं नहीं होने देंगे, उन्होंने बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि जो सक्षम लोग हैं गैस वो गैस सब्सिडी छोड़े और उनके 1 करोड़ पैदे से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ने का काम किया था और उससे उस गैस सब्सिडी जो उन्होंने छोड़ा था उसी के माध्यम से उन्होंने कहा
कि हमारे माँ बहनों को अब गैस चूल्हे से गैस चूल्हे के रूप में उन्हें निःशुल्क गैस चूल्हा दिया जाएगा और उन्हें लकड़ी के चूल्हे में बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही तो कहते हैं अच्छे दिन। अच्छे दिन की बात करते क्या ये अच्छा दिन नहीं है? क्या भारत का मान मतलब पूछा होता है तो अच्छे दिन नहीं है? हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए एक आग्रह करता हुआ कि बहुत सारे लोग आपके बीच में होंगे, जनता को अपनी बात को समझाना चाहिए कि देश का मान सम्मान बढ़ाने का कोई काम किया है तो हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए 2019 के चुनाव में ये जो जातिवाद है, इस जातिवाद को तोड़ने का हमें काम करना चाहिए और सिर्फ एक नारा देने का काम हमें करना है, वो है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की नारा को देते हुए हमें आगे बढ़ करके अपने देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री का हमें नेतृत्व सौंपने का काम करना चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग का यहाँ आगमन हुआ है, मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। विशेष तौर पे हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आई है विजय राठौर जी, सम्मानित अतिथि आदरणीय दर्शना सिंह जी सहित हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप सभी का गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए बड़ी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोरखपुर में हमारा महिला मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है। ऐसे सम्मेलन पूरे देश भर में महिला मोर्चा कर रहा है। 2019 की चुनाव की पूरी तैयारी अब हमारी हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अनेक अनेक महिलाओं के लिए जो विकास के कार्यक्रम बनाए हैं और उनके लिए अनेक अनेक योजनाएँ बनाई है, उसी को लेकर हम फिर से 2019 का चुनाव जीत कर आएंगे। ये जो चुनाव है, ये चुनाव पहली बार महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए सरकार ने जो अनेक नीतियाँ आई है उस नीति को सामने रखते हुए हो रहा है और उसी के साथ साथ ये चुनाव भी नीति खिलाफ अनीति के साथ हो रहा है। आज आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं को जो मिलना चाहिए था वो हक कहीं दिख नहीं रहा, उस तरह का क्या कहेंगे आप? 33% आरक्षण देने में तो हमारी पार्टी उस पक्ष में है ही और हमने ही इसके पहले पक्ष में होना और देना नहीं नहीं हमने ही मैं वही कह रही हूँ कि हमने ही इसके पहले 33% आरक्षण का बिल हम लाए थे, पर जो विपक्ष है विशेष रूप से कांग्रेस, उन्होंने इस बिल के लिए महिलाओं के लिए सपोर्ट नहीं किया है। जो मगरमच्छ के आंसू निकालती है कांग्रेस, पर महिलाओं के बिल के लिए और महिलाओं के लिए कोई मदद नहीं करती है। इसका एक और एग्जांपल है, अभी हमारे सदन में 8 करोड़ महिलाओं का जो ट्रिपल तलाक का बिल आया था, अगर कांग्रेस महिलाओं के पक्ष में है तो फिर ट्रिपल तलाक के बिल को क्यों नहीं उन्होंने साथ दिया, क्यों नहीं उन महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा? तो ये जो कहना है उनका वो बहुत ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल महिलाओं के साथ है, 33% आरक्षण के साथ है। प्रियंका गांधी अब मैदान में है, क्या लगता है महिलाओं को मोटिवेट कर ले जाएंगी, कहेंगी आप? किसने राजनीति में आना है वो हर एक पार्टी का अपना अपना प्रश्न होता है। मैं इतना ही कहूँगी कि उनके आने का कोई भी असर यहाँ पर नहीं होने वाला।